हेलो ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहा हूँ एपी का। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके लाना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट नंबर पर डिजिट लिखा है वो एक ही वैल्यू है। फर्स्ट टर्म है एज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो D इज इक्वल टू B की वैल्यू है आपकी, देखो ये A है और ये B है, B मीन्स 1 और A मीन्स 3, तो ये आपका माइनस का 2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया D, आंसर हो गया। यही चीज़ फाइंड करके लानी थी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में आपको ए पीज दी है माइनस 5 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इसमें स्टूडेंट ए इज इक्वल टू आपका माइनस 5 हुआ एंड डी इज इक्वल टू बी माइनस ए का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। बी मीन्स ये ए है और ये बी है, तो बी मीन्स माइनस 1 माइनस और ए मीन्स माइनस 5, तो माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये डी की वैल्यू होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सीरीज दी है आपको एपी में 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए ए की वैल्यू तो आपकी 1/3 हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ये ए है और ये बी है, तो बी के स्थान पर लिखेंगे 5/3 और माइनस ए के स्थान पर 1/3 3 एलसीएम 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5 3 बन जा 3 1 बन जा 1 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 4/3 ये आपका डी की वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट ये डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान रखना बी माइनस ए, यानी ये बी है और ये ए है, ये बी है ये, मतलब पीछे वाला नंबर ए की वैल्यू होती है और आगे वाला नंबर होता है वो बी की वैल्यू होती है, ये ए बी, फिर इसके लिए ए बी, फिर ए बी, आगे वाला टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं तभी जो है डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ना हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, ये 4th पार्ट मैंने छोड़ दिया, नहीं आता तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, क्या जो नीचे दी है वो एपी में है, इफ द फॉर्म ऑफ एपी, यदि एपी की फॉर्म है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यदि एपी में दिए हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके राइट 3 मोर टर्म्स, उसके आगे वाले 3 टर्म्स और राइट करने हैं, लिखने हैं। तो देखिए 4th का फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ए इज इक्वल टू 2 है और D इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, B माइनस A का फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
बी मीन्स कितना है, फोर माइनस ए मीन्स टू, कितना बचा टू। फिर और देखिए आगे, एट में से फोर माइनस करो कितना आया फोर, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है, तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट एपी। यानी एपी नहीं है, एपी नहीं है तो इसके आगे मोर थ्री टर्म्स फाइनल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। जब एपी सीरीज नहीं है तो उसको इसके आगे वाले थ्री मोर टर्म्स फाइनल नहीं कर पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखो, सेकंड देखते हैं क्या सेकंड एपी में है या नहीं। सेकंड वाला पार्ट आपको दिया है टू कॉमा फाइव अपॉन टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन बाई टू। तो यहां देखिए ए इज इक्वल टू दिया है टू और डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी फाइव अपॉन टू में से टू माइनस कर दीजिए। अब सिंप्लीफाई करो, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। टू और वन का एलसीएम टू, टू वन या टू, फाइव वन या फाइव, वन टू या टू, टू टू या फोर, फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो आपका वन अपॉन टू आ गया। अब आगे और देखिए क्या आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करके वन अपॉन टू आता है कि नहीं। अब और आगे डी देखिए, अब थ्री में से फाइव अपॉन टू माइनस कर दीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये वन अपॉन टू आता है या नहीं। यदि वन अपॉन टू ये नहीं आता है तो लिखेंगे इट इज नॉट एपी, ये एपी में नहीं है। तो देखिए टू एलसीएम आ गया, वन टू या टू, टू थ्री या सिक्स, टू वन या टू, फाइव वन या फाइव, सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे तो वन अपॉन टू, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब यस इट इज एपी, ये एपी में है। यस इट इज एपी, और जब एपी है तो इसके आगे वाले थ्री मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आगे वाले थ्री मोर टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी सेवन अपॉन टू के आगे थ्री टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो देखिए सेवन अपॉन टू लिखिए और प्लस इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया इसको ऐड कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए। टू एलसीएम आ गया इसका, टू वन जा टू, सेवन वन जा सेवन, टू वन जा टू, वन वन जा वन, सेवन और वन एट अपॉन टू, टू फोर जा एट, यानी फोर आ गया फर्स्ट टर्म आपका, फोर आ गया। इसके आगे वाला सेवन अपॉन टू के आगे कितना आएगा, फोर। अब इसके बाद फोर के बाद क्या आएगा, अब इस फोर में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करो वन अपॉन टू को, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू एलसीएम, वन का डिवाइड टू में करेंगे, टू बार टू, फोर जा एट, टू बन जा टू, वन बन जा वन, एट और वन कितना हुआ नाइन अपॉन टू। अब फोर के बाद नाइन अपॉन टू आएगा, अब नाइन अपॉन टू के आगे क्या आएगा, अब नाइन अपॉन टू में फिर कॉमन डिफरेंस वन अपॉन टू ऐड करेंगे, इसका एलसीएम टू आ गया, टू बन जा टू, नाइन बन जा नाइन, टू बन जा टू, वन बन जा वन, नाइन और वन कितने हो गए टेन अपॉन टू, टू फाइव जा टेन। तो कुल मिला के ये आपका थर्ड, तो यानी सेवन अपॉन टू के आगे क्या आएगा, ये फोर आया, फिर नाइन अपॉन टू आया और फिर फाइव आ गया। कुल मिला के थ्री मोर टर्म्स फाइंड करने थे, वो आपके थ्री मोर टर्म्स ये हो गए फोर, नाइन अपॉन टू और उसके बाद फाइव। अब स्टूडेंट ये जो है मैंने आपको इसका फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया, चलो एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया आपको माइनस वन पॉइंट टू कॉमा माइनस थ्री पॉइंट टू कॉमा माइनस के फाइव पॉइंट टू कॉमा
माइनस के 7.2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या एपी में है या नहीं। यदि एपी में होगा तभी जो है इसके आगे वाले थ्री मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू तो आपको दी है माइनस 1/2, तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे तो बी माइनस ए, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है, केवल दो निकाल के देख लो, दो यदि सेम आते हैं तो समझ लो ए पी में है। ओके, तो बी के स्थान पर लिखेंगे माइनस का 3.2 माइनस ए के स्थान पर माइनस का 1.2 माइनस 3.2 इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 1.2। देखिए माइनस का 3.2 है और प्लस का 1.2 है, तो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, कितना बचेगा 2.0। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, तो कुल मिला के माइनस 2 आ गया डी की वैल्यू। अब आगे इसमें से इसको माइनस करके देखिए, माइनस 5.2 में से माइनस का 3.2 माइनस करिए, माइनस 5.2 ये माइनस माइनस प्लस 3.2। तो स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी माइनस का बचेगा, अभी 2.0, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो d इज इक्वल टू माइनस का 2। तो देखिए d की वैल्यू यहाँ भी माइनस 2 है, यहाँ भी माइनस 2 है, इसका मतलब यस इट इज ap, ये ap में है। अब जो है ap में है तो इसके आगे वाले थ्री मोर टर्म्स फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले लास्ट में लिखा है माइनस का 7.2, जी आपको यहां पर दिया क्वेश्चन में माइनस 7.2, इसके आगे थ्री मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। इसके आगे कौन कौन से आगे थ्री, तो इस माइनस 7.2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो माइनस 7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है आपका माइनस का 2, तो माइनस 7.2 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 9.2। अब माइनस के 9.2 में फिर ऐड करेंगे माइनस का 2, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस का 11.2 आ गया। अब माइनस 11.2 में फिर माइनस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 13.2। ये थ्री मोर टर्म्स आपके फाइंड होके आ गए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्ट जो है बहुत सारे दिए हैं, 15 पार्ट हैं, सबका मेथड यही है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स, ये टेबल आपको दी है नीचे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन एंथ टर्म ऑफ ए पी, यानी एन जो है ए पी का एंथ टर्म है। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यानी ए इज इक्वल टू दिया है 7, डी इज इक्वल टू दिया है 3, एन इज इक्वल टू 8 और ए एन के आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा,
यानी एपी का एंथ टर्म क्या होता है? वी नो दैट एंथ टर्म ऑफ एपी होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके, यानी एपी के एंथ टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ए एन आपको फाइंड करके लाना है ए के स्थान पर सेवन, एन की वैल्यू आपको दी है एट माइनस वन, और डी के स्थान पर लिखेंगे थ्री। तो ए एन इज इक्वल टू सेवन, एट में से वन माइनस करेंगे तो सेवन, और सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और सेवन ट्वेंटी एट, यही आपका आंसर है। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ए इज इक्वल टू आपको दिया है माइनस एटीन, और डी फिलिंदी ब्लैंक्स है, और एन आपको दिया है टेन, और ए एन इज इक्वल टू दिया है जीरो। यानी डी के आगे क्या है? फिलिंदी ब्लैंक्स, यानी डी फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के स्थान पर जीरो लिखेंगे, ए की वैल्यू माइनस एटीन, और एन माइनस वन यानी टेन माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जीरो इज इक्वल टू माइनस एटीन, टेन में से वन माइनस करेंगे तो नाइन डी। अब स्टूडेंट देखिए, इसको लिख सकते हैं नाइन डी माइनस का एटीन है, इसको इक्वल करेंगे तो प्लस का एटीन हो जाएगा, और d इज इक्वल टू एटीन अपॉन नाइन। तो नाइन टू जा एटीन, यानी d इज इक्वल टू टू। ये इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट, थर्ड में a इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फाइंड करना है d इज इक्वल टू माइनस थ्री, एन इज इक्वल टू एटीन, ए एन इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन, ये माइनस वन है, इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू आपको दी है माइनस फाइव इज इक्वल टू ए, इसमें फाइंड करना है एन के स्थान पर एटीन माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको दी है माइनस का थ्री। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस एटीन में से वन माइनस करेंगे तो सेवनटीन मल्टीप्लाई माइनस थ्री। तो माइनस फाइव इज इक्वल टू ए सेवनटीन का माइनस थ्री में मल्टीप्लाई, तो माइनस का फिफ्टी वन। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस फाइव लिखा है, ये माइनस का फिफ्टी वन इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का फिफ्टी वन हो जाएगा इज इक्वल टू ए। अब फिफ्टी वन में से फाइव माइनस कर दो तो ये आपका फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ए, या इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। थर्ड पार्ट इसका हो गया।
अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4th और 5th स्टूडेंट बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं, कोई अंतर नहीं, आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 ये क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2nd ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2nd देख लीजिए। चूज द करेक्ट चॉइस इज द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30 टर्म ये दिया इसका फर्स्ट पार्ट। 30th टर्म ऑफ द 10.7.4... इज, यानी 30 टर्म ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द 7, 10, 7, 4 इज, यानी इसका 30 टर्म कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए इज इक्वल टू 10 है, डी इज इक्वल टू 7 में से 10 माइनस कर दो, डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो डी की वैल्यू -3 और एन इज इक्वल टू दिया 30। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ एक ही स्थान पर वैल्यू आपको दी है 10, एन माइनस 1 एन के स्थान पर लिखेंगे 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3। तो एन इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 माइनस 3, तो 10 29 का 3 में मल्टीप्लाई तो माइनस के 87, 29 3 या 87 और माइनस का 87 और प्लस का 10 है तो आपका माइनस का बचेगा 77। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो 30 टर्म ऑफ 10, 7 और 4 इज। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 97, सेकंड ऑप्शन में दिया आपका 77 और थर्ड ऑप्शन में दिया माइनस का 77 और फोर्थ ऑप्शन में माइनस 87। तो कौन सा राइट करेंगे, माइनस का 77 इसका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। 11th टर्म्स ऑफ द -3, -1/2, 2 इज 28, 22, -38, -48, 1/2 इनमें से कौन सा करेक्ट है, चलो इसको भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 11th टर्म्स ऑफ द -3, -1/2, 2 इज, ए में दिया है 28, बी में 22, सी में -38, डी में -48/2। तो इसमें जो है देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कौन सा करेक्ट है, तो ए की वैल्यू आपको दिए -3, डी इज इक्वल टू इसमें